पढ़ने लिखने में तो ये बिल्कुल नहीं था एक खाली तो मैथ में ध्यान था एक तो मैंने मना करी भाई ये तो मैथ से छीन के क्या करेगा भाई पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा एक ये जेई मुई में इंडिया के काजे खेले नाम रोशन करे आगे को बढ़े। ये जेई मुई में इंडिया के काजे खेले नाम रोशन करे आगे को बढ़े। बहुत अच्छी बैटिंग की थी और इतना तो उम्मीद भी नहीं थी कि लास्ट ओवर में 5 छक्के वो लगा देगा और उसने IPL इतिहास में रिकॉर्ड बना के रख दिया इस बात का, मतलब लास्ट ओवर में 5 छक्के किसी ने नहीं लगाया आज तक, 15-16वां सीजन है ये IPL का, तो बहुत खुशी हुई उसने ये रिकॉर्ड बनाया और अपनी टीम को जिताया। पढ़ने लिखने में तो ये बिल्कुल नहीं था एक खाली तो मैथ में ध्यान था एक तो मैंने मना करी भाई ये तो मैथ से छीन के क्या करेगा भाई पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा एक नहीं पाओ। तो उसके बाद हम प्रियर ने 2-4 जगह रन मारे तो सब आदमी यही कहते थे भाई तुम्हारा लड़का अच्छा खेल रहा है। तो फिर मैंने उससे ये किसी काम की नहीं किया, तुझे पढ़ना है तो खेलना है तो खेल लेगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर तेरे को पढ़ना है पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद में वो अच्छा ही करता गया। 5 साल पहले कह दी मेरे बच्चे ने कि पापा ये काम छोड़ दो, अब तुम्हें जरूरत क्या है काम करने की। तो मैंने उससे मैंने कही भाई मैं ये काम करूंगा बेकार हो जाऊंगा, मेरा हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। को इतना शौक था कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर मैच पर ध्यान देते थे। पापा थोड़ी पिटाई भी लगा देते थे कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है टाइम के साथ। और उन्होंने पढ़ाई को लेके थोड़ी पढ़ाई भी की और अपना मैच भी खेला, पर मैच में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और मेहनत करी खूब। और आज उनका नाम इतना रोशन हो गया है कि सब उनका नाम लेते लेते थक नहीं रहे हैं और सारे यही चाहते हैं हम सब कि वो नाम देश का नाम रोशन करें और इंडिया के लिए खेलें, खूब तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने पूरे परिवार का। ये थोड़े से पुअर फैमिली से थे और बहुत ही टैलेंटेड देखा मैंने जब ये मेरे पास आए शुरू में, तो बहुत टैलेंटेड थे। तो एक इंटर स्कूल हुआ था उसमें स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। ये लगातार 3 मैचों में 50-50 रन बनाए थे नॉट आउट। बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं और बच्चों को, अलीगढ़ के बच्चों को सीखना चाहिए कि आज एक रिंकू खेल रहा है दूसरा रिंकू भी खेल सकता है इसी परफॉर्मेंस से, और उसकी लगन जो है बहुत ही मतलब हाई लेवल पे है।